कश्मीर में एक बार फिर से हालात बिगड़े हैं। आतंकियों द्वारा कही जा रही टारगेट किलिंग पर आज से कश्मीरी पंडितों ने सामूहिक पलायन का ऐलान किया है। तो वहीं बिगड़े हालात के मद्देनज़र आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, केंद्र शासित प्रदेश के अर्धसैनिक बलों और नागरिक प्रशासन के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। आपको बता दें कि इन दिनों घाटी में फिर नफरत की आग सुलगती दिखाई पड़ रही है। बीते 26 दिनों में 10 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। लोगों के अंदर दहशत फैल गई है। इन आतंकी घटनाओं से दूसरे राज्यों से आए लोग बुरी तरह से घबरा गए हैं। वो डर के मारे घाटी छोड़ने के विवश हैं। 30-40 परिवार ने तो श्रीनगर छोड़ भी दिया है। तो वहीं पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित अजय ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर कहा कि हालात घाटी में इस वक्त 1990 से भी बुरे हो गए हैं। कश्मीर के बिगड़े हालात पर राजनीति भी गर्मा गई है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने ट्वीट कर कहा कि जम्मू कश्मीर में आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल ही में वहां राजस्थान के निवासी व बैंक मैनेजर की हुई हत्या अति दुखद व चिंतनीय भी है। इससे वहां दहशत का वातावरण व्याप्त है। केंद्र सरकार ऐसे दोषी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे, बीएसपी की यही मांग है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में गुरुवार को बैंक कर्मचारी विजय कुमार की हत्या हुई थी। विजय मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे और यहां कुलगाम के एक बैंक में नौकरी करते थे। यही नहीं, इस घटना के बाद बड़गाम में आतंकवादियों ने चंदूरा इलाके में एक ईंट भट्टे में काम करने वाले दो मजदूरों पर फायरिंग कर दी। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक की मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति की हालात गंभीर बताई जा रही है। मृतक बिहार का रहने वाला था और उसकी उम्र मात्र 17 साल थी। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।